अभी के टाइम में जो है फ़ोटो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो को बहुत ही ज़रूरी पड़ता होगा। मैं आपको बहुत ही इजी तरीका और बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही कि किस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो को जो बना सकते हैं और उसको जो मोबाइल से ही प्रिंट कर सकते हैं। आप जो है मोबाइल से ही स्टाम्प साइज जैसा फ़ोटो बना सकते हैं, पैन कार्ड जैसा फ़ोटो बना सकते हैं, आईडी कार्ड जैसा फ़ोटो बना सकते हैं, पासपोर्ट साइज जैसा फ़ोटो बना सकते हैं, वीज़ा कार्ड जैसा फ़ोटो बना सकते हैं, OCI पासपोर्ट जैसा फ़ोटो बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है ढेर साइज जैसा फ़ोटो बना सकते हैं। मैं आपको जितने साइज जैसा फ़ोटो बताया हूँ वो सारा का सारा फ़ोटो जो है आप मोबाइल से ही बना सकते हैं। आपको दुकान वाले के पास या साइबर कैफे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबे लंबे लाइन लगा के पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही सबसे पहले क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा बिना कहीं रुके। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप कैसे बना सकते हैं, वह भी खुद से बिना किसी से पूछे, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना पैसा खर्च किए। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप बहुत ही आसानी से प्रिंट भी निकाल सकते हैं मेरे ये वीडियो देखने के बाद। मैं आपको इसमें ढेर सारा साइज का फ़ोटो बताऊँगा जिससे आप जो है बहुत ही ईजी तरीक़े से उसका क्रॉप कर सकते हैं। आप जो है A4 साइज या जितना साइज का जो है पेपर पे फोटो निकालना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे भर भर के मिल जाता है, वो साइज का फ़ोटो आप निकाल सकते हैं, स्टाम्प साइज जैसा फ़ोटो निकाल सकते हैं, पैन कार्ड जैसा फ़ोटो निकाल सकते हैं, FRRO जैसा फ़ोटो निकाल सकते हैं, PCCPIO जैसा फ़ोटो निकाल सकते हैं, वीज़ा जैसा फ़ोटो निकाल सकते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल सकते हैं, आईडी कार्ड जैसा फ़ोटो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे भर भर का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो भी फ़ोटो निकालना चाहते हैं ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरीक़े से सीख जाएंगे किस तरीके से ये सब जितने मैं आपका साइज का फ़ोटो बताया हूँ वो सब साइज का फ़ोटो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आप जो है JPEG में निकाल सकते हैं और PNG फाइल में भी आप फ़ोटो को जो है निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा तभी आप सीख जाएंगे किस तरीके से जो है आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो या आप जो है वीज़ा साइज या आप पैन कार्ड जैसा साइज फ़ोटो आप कैसे जो है मोबाइल से ही खुद से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से मोबाइल से ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो को कैसे बनाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पासपोर्ट साइज जैसा आईडी कार्ड जैसा फ़ोटो बनवाने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे न्यू फोटो वाले पे आपको क्लिक करना है। न्यू फोटो वाले पे क्लिक करते यहाँ पे हर कंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो भी कंट्री से आप है वो कंट्री आपको यहाँ पे चूज लेना है। यहाँ पर देखिए आईडी कार्ड जैसा फ़ोटो लेना चाहते हैं, यहाँ पे वर्क वीज़ा है, ई वीज़ा है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, DNI कार्ड है, तो आप कौन सा जो है फ़ोटो बनवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पहले क्या करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको इंडिया में आपको कौन सा जो है फ़ोटो आप लेना चाहते हैं वो फ़ोटो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए स्टाम्प साइज, पैन कार्ड, यहाँ पे आपको पासपोर्ट, यहाँ पे आपको जो ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कौन सा जो है फ़ोटो बनवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर देखिए इंडिया पासपोर्ट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ 300 DPI है, इसको आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ऐसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा होगा, इतने साइज का आपको फ़ोटो होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कैमरा से क्लिक करके फ़ोटो ले तो वह यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है गैलरी में है, मैं गैलरी से चूज़ करूँ तो यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप कैमरा से क्लिक करना चाहते हैं तो कैमरा वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कैमरा वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है
पर्सन को सिलेक्ट कर लेना है, बुक या कुछ भी आप जो है फोटो लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ कैमरा वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो जो देखिए आपको फोटो जो है यहाँ पर कैप्चर कर रहा है, तो आपको कुछ जो है यहाँ पे एक सेकेंड का वेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको कैप्चर कर चुका है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट एडिटिंग है, आपको स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करके अपना फोटो को जो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको फोटो जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। वैसे ये जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको यहाँ पे जो है एकदम सीधा एक्यूरेट जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मिरर कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ क्रॉप वाले पे क्लिक करके आप जो भी फोटो क्लिक किए हैं वो फोटो को जो है अपना फोटो को यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए कि अपना फोटो को जो है ब्राइटनेस इस तरीके से दे सकते हैं, कम बेसी जो है अपना फोटो को ब्राइटनेस इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है अपने फोटो को जिस भी आप कॉन्टेस्ट देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ढेर सारा भर भर के ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जो भी देना है यहाँ पर अपने दे दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते ही अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी अपने फोटो का जो बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं अपना फोटो का बैकग्राउंड जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैजिक मिल जाता है, यहाँ फिल्म मिल जाता है। तो जो भी अपना फोटो जो है इस तरीके से आपको कुछ जो है गाइडलाइन आएगा कि यहाँ पर है, इस तरीके से अपना फोटो को जो है रिमूव करके हटा सकते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आ चुका है, इस तरीके से जो है अपने फोटो को बैकग्राउंड को रिमूव करके हटा सकते हैं। हमें नहीं हटाना है तो सिंपली हम यहाँ से जो है कट करके हटा देते हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ सेव वाले आइकन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कि अपना बोला जा रहा है कि आप बैकग्राउंड जो है उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो अपना जो बैकग्राउंड कलर यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर डन वाले पे क्लिक कीजिएगा। डन वाले पे क्लिक करते यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर दिखलाई दे रहा होगा, यहाँ पर सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ जो है आपको बोला जा रहा है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा ऐड इन आउटलाइन, तो ऐड इन आउटलाइन वाले पे आपको क्लिक करना है। और जो भी आप जो है फोटो को जो बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बॉर्डर मिल रहा है, तो इस तरीके से अपने फोटो का जो बॉर्डर दे सकते हैं और इस तरीके से कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डन वाले पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ अपने फोटो को कुछ नाम दे सकते हैं, यहाँ JPEG PNG में रख सकते हैं। और ये साइज जो है फाइल साइज जितना बड़ा कीजिएगा उतना अच्छा आपको क्लियरिटी ये फोटो होगा। इसके बाद सेव वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सेव वाले आइकन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए कि आपको प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जो है अपने फोटो के कौन से साइज में निकालना चाहते हैं वो आपको पेपर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ मैं ओके वाले पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका A4 साइज पे जो है इतना फोटो आपको आ चुका है, 36 फोटो। तो आपको कुछ फोटो हटाना है तो इस तरीके से आप जो है माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो जो है रिमूव होकर हट रहा है इस तरीके से, ठीक है। अगर गैपिंग करना है तो इस तरीके से गैप वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये गैप होगा। तो चलिए हम थोड़ा गैप बढ़ा ही देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा जो है गैप अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं गैप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ सेव वाले आइकन पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, यहाँ PNG और JPEG में। चलिए हम यहाँ सेव वाले आइकन पर क्लिक करके मैं इसको जो है सेव कर लेता हूँ। तो ये जो है आपको जो है सेव होके आपको गैलरी में चल जाएगा। ये तो हो गई कि आप जो कैमरा से क्लिक करके किस तरीके से फ़ोटो जो है बना सकते हैं। अगर आप जो है गैलरी में रख रखे हैं तो उसको जो है आप कैसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको फिनिश कर दीजिए, ये ख़त्म हो। अगर आपका जो है गैलरी में है तो उसको कैसे जो है आप फोटो को पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएं, सबसे पहले क्या करना है, न्यू फोटो वाले पे क्लिक कीजिएगा। और न्यू फोटो वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जो है आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इंडिया पासपोर्ट है। अगर नहीं आता है आपको तो इसमें से आपको क्या करना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आ जाएगा। आपको जो भी फ़ोटो बनवाना है आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया पासपोर्ट, यहाँ पर 300 DPI, और यहाँ पर ओके वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ गैलरी वाले में क्लिक करके गैलरी में से फ़ोटो निकाल लेता हूँ। गैलरी में से फोटो चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट एडिटिंग है, स्टार्ट एडिटिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए फोटो को जो है आपको जो है सेलेक्ट कर लिया है। अगर टेढ़ा में रहा है तो इस तरीके से जो अपना फोटो को जो है सही कर सकते हैं, नहीं तो फोटो आपको जो एकदम एक्यूरेट जो है यहाँ पर आपको एडजस्ट जो है एकदम कर लेता है, ठीक है, एकदम सीधा इस तरीके। यहाँ से मिरर कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना फोटो का इस तरीके से साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छोटा बड़ा इस तरीके से आप कर सकते हैं तो इस तरीके से अपना फोटो को जो है इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ वाला आइकन है, क्रॉप वाला आइकन पर क्लिक करना है। ऐसे ही क्रॉप वाला आइकन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पे
बोला जा रहा है कि ब्राइटनेस रख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट रख सकते हैं, तो जो भी आपको रखना है यहाँ पे जो आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ से, और यहाँ पे जो अपना ब्राइटनेस जो है नेक्स्ट वाला आइटम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड आप इसको रिमूव कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ। तो बैकग्राउंड कलर वाले पे क्लिक कीजिएगा और आप अपना बैकग्राउंड जो है रिमूव करके जो है हटा सकते हैं। तो यहाँ चेंज जो है कर लीजिए और यहाँ पर मैजिक कलर पे जाके इस तरीके से जो है आप जो है बैकग्राउंड जो है रिमूव करके हटा सकते हैं। इस पर मैं भर भर की वीडियो बना कर रखा हूँ, तो वो वीडियो है जाके देख सकते हैं। चलिए हमको नहीं हटाना है तो मैं यहाँ इसको कट करके बैक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है सेव वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट जो है बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर इस तरीके से रखना है आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से अपना कलर जो बैकग्राउंड कलर आपको जो रखना है इस तरीके से आपको जो है रख लेना है, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, डन वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब क्या करना है, सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा एड एन आउटलाइन, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपके फोटो का जो आउटलाइन है आप जो भी देना चाहते हैं इस तरीके से जो है अपना आउटलाइन दे सकते हैं और इसको जो मोटा पतला जो भी करना है इस तरीके से अपने फोटो का जो है कलर इस तरीके कर सकते हैं। नहीं तो इसमें जो है क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको भर भर के ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी आपको जो कलर लेना है कलर ले लीजिए और ओके वाले पे क्लिक कीजिएगा और इसको जो है मोटा पतला इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है डन वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है अपने जो है नाम दे सकते हैं और यहाँ पे जो फाइल टाइप JPEG PNG चूज कर सकते हैं। यहाँ फाइल साइज भी आप जो है बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा फाइल का साइज बढ़ाइएगा उतना क्लियरिटी आपका फोटो आएगा, ठीक है। इसके बाद सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव वाले आइकन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका फोटो जो है आ जाता है। यहाँ पर देखिए प्रिंट मल्टीपल कॉपीज, आपको इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा पेपर पे आपका फोटो चाहिए। जैसे हमें A4 साइज का पेपर पर फोटो चाहिए तो मैं जो है A4 साइज सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आपका जो है A4 साइज पे आपका फोटो यहाँ पे आ चुका है। आपको कितना फोटो चाहिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको कुछ माइनस कर लेते हैं इसमें से, इतना फोटो हमको नहीं चाहिए तो इस तरीके से मैं माइनस कर लेता हूँ। यहाँ से जो है गैपिंग आप जो है बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, या आप यहाँ से गैपिंग जो है माइनस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर सेव वाला आइकन, आपको सेव वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इसको जो है आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए PNG और JPEG फाइल में आप इसको जो है रख सकते हैं, तो मैं रहने देता हूँ PNG और मैं यहाँ सेव फोटो वाले पे क्लिक करके मैं इसको जो है सेव कर लेता हूँ। ये जो है आपको सेव होकर गैलरी में चल जाएगा। सो इस तरीके से जो है गाइस आप मोबाइल से ही घर बैठे बिना दुकान में जाए बिना साइबर कैफे में जाए आप जो है बहुत ही आसानी से जो है आप मोबाइल से ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ID कार्ड जैसा फ़ोटो, पैन कार्ड जैसा फ़ोटो बना सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ फिनिश वाले आइकन पे क्लिक करके। अब मैं बताऊँगा कि अगर आपके पास जो है प्रिंटर है तो उसको जो है कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखला देता हूँ, तो मैं यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना जो है प्रिंटर रखे हुए कैनन का, तो कैनन एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है और उससे जो है बहुत ही इजी तरीके से आप जो भी फोटो बनाए हैं उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्री वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही परमिशन मांगेगा, परमिशन को इस तरीके से आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल से जो भी जो है प्रिंटर अटैच है उसको जो है आपको लगा देना है और ओके वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ परमिशन वगैरह मांगेगा, आपको यहाँ परमिशन दे देना है, ठीक है। लोकेशन वगैरह मांगेगा, आपको सभी लोकेशन दे देना है। जो भी वाईफाई वगैरह परमिशन मांग रहा है इस तरीके से आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा के आ रहा होगा कैनन प्रिंट, तो मेरे मोबाइल में जो है प्रिंटर आपका कैनन का प्रिंटर कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए एड यू प्रिंटर, आपको जो है आपका प्रिंटर जो है इसमें ऐड कर देना। ऐड करते ही यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे जो है मोबाइल में प्रिंटर ऐड नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर गाइडलाइन दे रहा है। अगर आपको जो है कैनन का प्रिंटर है तो आपको मोबाइल में अटैच कर देना है। अटैच करते ही ये सेलेक्ट कर लेगा और आप जो है यहाँ से देखिए कि बहुत ही ईजी तरीके से प्रिंट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि मेरे में जो मेरे प्रिंटर नहीं है तो मैं यहाँ पर अटैच नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए टर्निंग ऑन योर प्रिंटर, बोला जा रहा है कि आप जो है अपने मोबाइल में जो है प्रिंटर अटैच की। यहाँ पर कुछ लोगों भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो अपने मोबाइल से प्रिंटर को जो है अटैच कर देना है और यहाँ पर ऑप्शन आ जाए। तो आपको क्या करना, जो भी फोटो आप गैलरी में
सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, बस यहाँ पे जो आपको ओके करके अटैच कर देना है, और जो है प्रिंट वाले आइकन पे क्लिक करते ही आपके प्रिंटर से जो भी फ़ोटो है, वो फ़ोटो आप बनाए थे, वो फ़ोटो आपको यहाँ प्रिंटर से निकल जाता है। सो गाइस, बहुत ही ईजी तरीक़े से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोटो को बना सकते हैं और अपने मोबाइल से ही प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस, आपने इस वीडियो में ये तो सीख ही लिया होगा किस तरीके से मोबाइल फ़ोन से ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो को कैसे बनाएंगे और उसको जो है आप कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।